हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी UNDP के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 324 आपका भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, याद रखना है 324। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है। ये अखिल भारतीय संस्था है। भारतीय निर्वाचन आयोग आपकी अखिल भारतीय संस्था है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। और अभी करेंट में 2020 में कौन है? ओम विकास रावत। हम लोग फरवरी में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो अभी ओम विकास रावत हैं। ठीक, याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण ए आपका इलेक्शन भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, पंचायतों और निकायों का नहीं, याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक, तो याद रखना है यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करवाता है? संचालन, निर्देशन और नियंत्रण आपका भारतीय निर्वाचन आयोग, पंचायत और निकायों का आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना तो इसमें आपका मुख्य न्याय निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक, और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसमें। इनका कार्यकाल रहता है सभी का 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। इसका नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी सेवा शर्तें, निर्धारित और पदावधि, ये सभी आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है। हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाते हैं SC के न्यायाधीश की तरह, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इन्हें हटाया जाता है, ठीक है। और जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। वेतन भत्ते अधिकार समान होते हैं इनके, ठीक है, याद रखिए। इनकी शक्ति की बात करें तो शक्ति में शामिल है निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तिथि समय सारिणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना इसके प्रमुख कार्य हैं। आगे है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान व निर्वाचित चिन्हों का आवंटन करना इसका काम है। विवाद समाधान SC की तरह जांच अधिकारी नियुक्ति करता है, ठीक है। अगर इस राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना निर्वाचित, अगर इस तरह के विवाद हैं तो SC की तरह ये समाधान करेगा। संसद सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। विधान परिषद के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है, ठीक है, इनके काम में। ये था आपका इंडियन इलेक्शन कमीशन। आगे बात करेंगे हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में लोग देखेंगे आगे, ठीक है।